हेलो एंड वेलकम बैक टू किरण्स कॉमर्स जोन। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन शुरू करवाया था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ मॉडरेट किस्म की जो ट्रांजैक्शंस हैं आज मैं वो आपको करवाऊंगा। और क्योंकि आपको एमसीक्यूज आने हैं, आपको इस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो नहीं करना होगा, बट इसके ऊपर बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं वो आपको आ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बट बिफोर दैट, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज कुछ मैं मॉडरेट ट्रांजैक्शंस लेके आया हूँ, आज उन्हीं के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने लिखी हैं दोस्तों, अब इनसे हम एक अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो बराबर आएगी, मतलब हमारी जो एसेट साइड है वो हमारी कैपिटल और लाइबिलिटी साइड के टोटल के बराबर आएगी हमेशा। और अगर ऐसा नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, पहली जो ट्रांजैक्शन थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो जो कैश हमने लगाया वो हमारा कैश, हमारे कैश बैलेंस को इंक्रीज करेगा। तो यहां पे लिख दूंगा स्टार्टेड बिजनेस, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कैश लाया बिजनेस में, 50,000। और दोस्तों मैंने बताया था जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें जो पैसा लगाते हैं या रिसोर्सेज लगाते हैं वो हमारे लिए कैपिटल का काम करते हैं, उस बिजनेस के लिए वो कैपिटल होती है। तो जितनी हमारी कैश इंक्रीज हुई उतनी हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदी 10,000 की कैश में एंड ऑन क्रेडिट 5,000। इन शॉर्ट, हमने कैश में भी गुड्स खरीदी, मतलब कैश देकर भी, और क्रेडिट में मतलब उधार में भी खरीदी। तो हमने दोनों तरह की परचेज की, कैश में और क्रेडिट में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने टोटल गुड्स कितने की खरीदी। देखो दोस्तों, 10,000 की हमने कैश गुड्स खरीदी हैं और 5,000 की हमने क्रेडिट में खरीदी है। इट मीन्स हमारी जो गुड्स हैं यानी स्टॉक है वो तो 15,000 हमारे पास आ रहा है, 15,000 का स्टॉक हमारे पास आ रहा है। तो हम अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, ये स्टॉक का मैंने कॉलम बना रखा है, अपने स्टॉक को प्लस कर लेना है 15,000। आप कैश में खरीदो या क्रेडिट में, आपके पास स्टॉक आ रहा है तो आप उसको टोटल में लिख दोगे कि कितना स्टॉक आया 15,000 में। ये आ गया फर्स्ट स्टेप। इसमें से 10,000 का हमने कैश में खरीदा है, इसका मतलब ये जो 15,000 का टोटल स्टॉक खरीदा, इसमें से 10,000 तो हमने कैश दिया। इट मीन्स कि हमारा कैश बैलेंस 10,000 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे परचेज्ड गुड्स, तो इस 15,000 में 10,000 हमने कैश दे दिया था तो कैश बैलेंस हमारा माइनस हो जाएगा 10,000, और 5,000 हमने उधार में ख़रीदा था स्टॉक। दोस्तों, जब भी कोई हम उधार लेते हैं या उधार में कोई चीज़ खरीदते हैं तो जो उधार हमें बाद में पे करना है उसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। तो इसका मतलब जो हमने उधार में गुड्स खरीदी 5,000 की, उसके लिए हमें 5,000 इन फ्यूचर पे करना है, तो हमारे लिए वो एक लाइबिलिटी के तौर पर काम करेगा। तो लाइबिलिटी कितनी हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई 5,000। अब इसको हम टोटल कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 50,000 कैश था, 10 की हमने गुड्स खरीद ली कैश दे के, तो कैश बचा मेरे पास अब 40,000। स्टॉक तो 15,000 इंक्रीज हुआ, चाहे कैश में खरीदा चाहे क्रेडिट में। उसके बाद कैपिटल 50,000 थी, सेम ही रही, और यहाँ पे 5,000 की हमारे पास एक लाइबिलिटी भी हमारे पास क्रिएट होगी, एक लाइबिलिटी भी आ गई हमारे पास। तो टोटल देख लो आप, 40 और 15 55, तो ये आपकी बन गई न्यू इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 12,000 फॉर कैश। हमने 10,000 की गुड्स को 12,000 में बेचा, यानी हमने जो गुड्स 10,000 की खरीदी थी हमने 12,000 में बेची। तो जब भी हम कोई गुड्स बेचेंगे या कोई चीज़ बेचेंगे उसमें हमें कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस होता है, कई बार ना प्रॉफिट ना लॉस होता है, यानी जितने में चीज़ लाई थी हमने उतने में ही दे दी। तो अगर आप यहाँ पे देखो, हमने जो 10,000 की गुड्स खरीदी थी वो हमने बेची हैं 12,000 में। तो सबसे पहले आपने हमेशा ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप कोई सेल कर रहे हो चीज़, कुछ भी हो, चाहे वो गुड्स हैं या कोई एसेट है, अगर आप उसको बेच रहे हो तो आपने सबसे पहले उसमें होने वाला प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना है। तो अगर मैं इसमें निकालूं तो दोस्तों, हमने गुड्स बेची कितने में, हमने बेची 12,000 में, तो 12,000 हमारा सेलिंग प्राइस है। मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस कितना है 12,000, और हमने खरीदी कितने की थी, खरीदी थी हमने 10,000 की, हमारे लिए कॉस्ट कितनी है
वो थी 10,000। तो 10,000 की चीज़ मैंने 12,000 में बेची, इट मीन्स मुझे प्रॉफिट हुआ 2,000 का। ये मेरा है, सबसे पहले आपका काम यही है कि जो भी आप सेल कर रहे हो उसमें अपना प्रॉफिट या लॉस पहले निकाल लो। तो मैंने अपना प्रॉफिट निकाला 2,000। तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारी कैपिटल किस वजह से इंक्रीज होती है और किस वजह से डिक्रीज। हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ इनकम्स, बिकॉज ऑफ अगर हम एडिशनल कैपिटल लगाएं। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी क्योंकि हमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जब भी आपका प्रॉफिट होगा आप कैपिटल में वो प्रॉफिट ऐड कर लोगे। तो सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेची, सबसे पहले हम प्रॉफिट की बात कर लेंगे। प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अगर लॉस होता हो तो कैपिटल में माइनस कर लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है और लॉस डिक्रीज करता है। ठीक है, ये हो गया। अब गुड्स जो है हमारे पास, स्टॉक जो 15,000 का था इसमें से कुछ स्टॉक तो हमने बेच दिया। अगर बेच दिया इसका मतलब स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। कितना कम होगा ये आपने ध्यान से समझना दोस्तों। हमने गुड्स जो बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10,000। हमें ये नहीं देखना कि सेलिंग प्राइस क्या है, हमें 10 का 12 मिल रहा है या 10 का 8 मिल रहा है, हमें सेलिंग प्राइस बिल्कुल नहीं देखना। आपने गुड्स में से जब भी आप माइनस करोगे उसकी आप कॉस्ट ही माइनस करोगे। ये आपको हमेशा याद रखना है, गुड्स में से सेलिंग प्राइस आपने रिड्यूस माइनस नहीं करना, आपने हमेशा ही उसकी कॉस्ट माइनस करनी है। और यहाँ कॉस्ट कितनी है, 10,000, क्योंकि यहाँ गुड्स कॉस्ट के हिसाब से ही रिकॉर्ड की गई है। तो कॉस्ट में से कॉस्ट ही माइनस करेंगे 10,000। चलिए दोस्तों ये भी हो गया। अब लास्ट चीज, हमने प्रॉफिट भी ले लिया, हमने गुड्स की कॉस्ट भी माइनस कर ली। अब हमने बेची और कितने में बेची दोस्तों, हमने बेची 12,000 कैश में। ये आपके सामने कैश, इट मीन्स आपके पास कैश 12,000 आएगा। जब भी आप कोई चीज़ बेचोगे आपके पास कैश आएगा। तो आपके पास कैश कितना आया, 12,000। तो आपका कैश का बैलेंस 12,000 इंक्रीज हो जाएगा। इसको मैं प्लस कर लूँगा। अब फिर से इसका टोटल करके देखो कितना आ रहा है, 40 + 12 = 52,000। 15,000 का स्टॉक था, 10,000 का हमने बेच दिया, जो बेच दिया माइनस कर लेंगे, बचा 5,000 का स्टॉक। और यहाँ पे 52,000 + 5,000 ये हो गया 57,000। और 52 और 5 = 57,000 बराबर हो गई, ये बन गई आपकी न्यू इक्वेशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज परचेज मशीनरी फॉर 10,000। हमने 10,000 की मशीन खरीदी, परचेज मशीनरी दोस्तों 10,000 की मशीन खरीदी, मतलब कैश में ही खरीदी है। जब तक लिखा ना जाए कि क्रेडिट पे है हम उसको कैश ही मानेंगे। तो 10,000 की हमने मशीन खरीदी, इट मींस हमारा कैश बैलेंस 10,000 कम हो गया। और साथ ही साथ हमारे पास, क्योंकि 10,000 कैश कम हुआ लेकिन उतनी की ही हमारे पास क्या आ गई, मशीन आ गई। मशीन के जो कॉलम बनाए उसके नीचे लिख दोगे, तो 10,000 हमारा कैश कम हुआ, उतने की ही हमारे पास एक मशीन भी आ गई। तो अब फिर से इसका टोटल करके देखो कितना बन रहा है दोस्तों, 52 में से 10 माइनस कर लिया, बचा 42,000 प्लस स्टॉक 5,000 का था ये वैसे ही रहा, और साथ में हमारे पास मशीनरी आ गई 10,000 की। 52,000 + 5,000 ये भी आपका 57,000 बन गई आपकी न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000 for 8,000 ऑन क्रेडिट। हमने सबसे पहले 10,000 की मशीन 8,000 में बेची, और बेची भी क्रेडिट पे, मतलब उधार पे। सबसे पहले मैंने अभी बताया कि जब भी हम कोई चीज़ बेचेंगे पहला स्टेप क्या होगा, आप उसमें से अपना प्रॉफिट या पहले लॉस निकाल लो। तो अगर मैं इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल लूँ, मशीन की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 10,000, और हमने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस कितना है 8,000, 10 में से 8 हमने माइनस कर लिया तो लॉस आ गया 2,000। सिंपल सा लॉजिक, अगर आपने कोई चीज़ 10,000 में खरीदी है और उसको आप 8,000 में बेच रहे हो तो आपको तो नुकसान ही होगा, और कितना नुकसान हुआ, 2,000। तो मैंने कहा जब आप प्रॉफिट या फिर लॉस निकालोगे सबसे पहले उस प्रॉफिट या लॉस को आपने कैपिटल में ही ट्रेड करना है। तो कैपिटल में प्रॉफिट है तो ऐड कर लेना है, लॉस है तो माइनस। तो हम माइनस कर लेंगे 2,000 रुपया जो हमें लॉस हुआ वो आपका कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, मैंने कहा जब भी कोई चीज़ बेचेंगे हमेशा वो जो चीज़ हमने बेची
उसमें से हमेशा उसकी कॉस्ट ही माइनस होगी। मैंने अभी कहा कि सेलिंग प्राइस आपको माइनस नहीं करना, चाहे आप प्रॉफिट में बेच रहे हो या लॉस पे, आपको जो चीज़ बेच रहे हो उसकी कॉस्ट में से कॉस्ट ही माइनस करनी है। तो यहाँ पे मशीन की कॉस्ट 10,000 थी, तो ये हमारे पास मशीन है, इसकी कॉस्ट थी 10,000, मैंने ये माइनस कर दी क्योंकि हमने बेच दी है, अब हमारे पास मशीन की वैल्यू ज़ीरो हो गई। अब कितने में बेची? हमने बेची 8,000 में, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है कि 8,000 की जो मशीन हमने बेची है वो क्रेडिट में बेची है, मतलब उधार है। इसका मतलब कैश तो हमारे पास आया ही नहीं, तो हम कैश का बैलेंस इंक्रीज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जिसको हमने उधार दिया या उधार में चीज़ बेची उसको डेटर बोलते हैं। डेटर हमारे लिए एक एसेट है, क्योंकि डेटर वो है जिससे हमने पैसा फ्यूचर में लेना है। तो यहाँ पे हमने जो मशीन किसी को भी बेची, हमारे लिए वो एक डेटर है, यानी वो जिससे हमें फ्यूचर में पैसा लेना है, तो हमारे लिए वो एक एसेट के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ डेटर हमारे कितने आ गए? जितने की हमने मशीन बेची 8,000 की, तो डेटर्स हो गए 8,000 के। तो चलिए दोस्तों, इसका टोटल कर लेते हैं। देखिए, कैश में हमें कोई चेंज नहीं आई है, स्टॉक भी हमारा 5,000 है, मशीन 10 की थी, 10 की हमने बेच दी, इसका बैलेंस नील हो गया, प्लस हमारे पास डेटर्स हो गए, यानी जिनको हमने उधार में मशीन बेची वो डेटर्स कहलाएंगे। 8,000 इज इक्वल टू 52 है, माइनस 2 कर दिया तो बचा 50,000, और प्लस 5 ये हो गया 55,000। अब इसका टोटल देख लो, 52 and 8, 50 और प्लस 5 55,000, तो दोनों साइड्स आपकी बराबर आ गई। तो इसको बोलेंगे हम न्यू इक्वेशन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज पेड रेंट। हमने रेंट पे किया, ये हमारी कौन सी थी? सोल्ड मशीनरी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज पेड रेंट। हमने रेंट पे किया, तो ये भी मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। कोई भी एक्सपेंस या इनकम, प्रॉफिट या लॉस, इसकी ट्रीटमेंट कैपिटल में तो होनी ही होनी है। इनकम्स प्रॉफिट्स ऐड हो जाएंगे और एक्सपेंसेस और लॉसेस डिटेक्ट यानी माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ हम रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है, तो मैंने कहा जितने भी एक्सपेंस हम कैपिटल में से डिडक्ट कर लेते हैं। कितना रेंट दिया हमने? 5,000, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 5,000 का जो रेंट दिया। अब क्योंकि रेंट दिया तो किस में देंगे? इन द फॉर्म ऑफ कैश, रेंट कैश में ही दिया जाएगा। इट मीन्स हमारा कैश भी इतना कम हो जाएगा जितना हमारा कैपिटल कम हुई। अगर हम इसका फिर से टोटल करें, 42 में से 5 निकालो, 37,000 प्लस 5,000 प्लस ये नील हो चुका है, प्लस 8,000, और यहाँ पे 50 माइनस 5 45 प्लस लाइबिलिटी 5,000। तो 37 एंड 5 42, 42 एंड 5 53, सॉरी 37 एंड 5 39, 39 एंड 8 40, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है दोस्तों, 37 एंड 5 हो गया 42, 42 और 8 50, और 55 प्लस 5 50,000, ये आपकी आ गई न्यू इक्वेशन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब दोस्तों सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आपका कोई भी खर्चा जो जिसकी सर्विस आप ले चुके हो लेकिन अभी आप तक पे नहीं किया। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब आप जो आपने सैलरी किसी की तनख्वाह देनी है, आप सर्विस तो ले चुके हो लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आप सर्विस ले चुके हो लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की, इसका मतलब इन फ्यूचर में आप पेमेंट करोगे, तो ऐसी चीज़ हमारे लिए क्या करती है, हमारे लिए किस चीज़ का काम करती है? लाइबिलिटी का। तो कोई भी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस, नॉट ओनली सैलरी, एनी एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, एनी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, अगर वो आउटस्टैंडिंग है मतलब पे नहीं किया गया है, सर्विस ले चुके हो, इज ए लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमने जो सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है हमारे लिए एक लाइबिलिटी, इसका मतलब आपने पे नहीं की। अगर पे नहीं की तो कैश में से तो कम होगी नहीं, सबसे पहले क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो आपकी कैपिटल में से ये माइनस जरूर करेंगे हम। कितना? 10,000। अब मैंने अभी कहा क्योंकि पे नहीं किया, ये सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग है, तो हमारे लिए एक लाइबिलिटी भी है, और लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई। पहले लाइबिलिटी हमारी कितनी थी? 5,000, अब हमने 10,000 और देना है क्योंकि हमने सैलरी देनी है, तो कुल मिला के हम ये लाइबिलिटी में ऐड कर लेंगे और लाइबिलिटी हो जाएगी 10 और 5 पहली थी 15,000। तो अब इसका अगर आप टोटल करोगे तो 37,000
प्लस 5000 हो गया 42, प्लस ये नील है प्लस 8000 हो गया 50000, और यहाँ पे 45 माइनस कर लेंगे 10000, बचा 35, प्लस 10 और 5 15, ये भी हो गया 50000, बन गई न्यू इक्वेशन। लास्ट इज पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब हमारी कोई लाइबिलिटी, क्रेडिटर मतलब जिनको हमने पैसा देना था उनको दिया हमने 5000, तो क्रेडिटर को हमने 5000 दिया, इस इट मीन्स हमारा कैश 5000 कम होगा क्योंकि पेमेंट तो हम कैश में ही करेंगे, तो 5000 हमारा कैश कम होगा। लेकिन जब हम कोई क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, जब हम कोई लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो जितनी लाइबिलिटी पे करेंगे उतनी लाइबिलिटी भी हमारी कम हो जाएगी, तो 5000 पे किया, हमारी लाइबिलिटी कितनी थी टोटल 15, इसमें से 5 हमने पे कर दिया तो लाइबिलिटी हमारी कम हो गई 5000, तो माइनस कर लो 28000, 5000 नील 8000, और यहाँ पे 35000 प्लस 10000, 5000 माइनस कर लिया। अब आप इसका टोटल करके देख लो, 32 and 5 37, 37 and 8 45, 35 and 10 45, दोनों साइड्स बराबर, ये आपका न्यू क्वेश्चन और साथ ही आपका ये आंसर। तो इस तरह से आपने अकाउंटिंग, अब आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है उसमें आपको तो ये बनाने को तो नहीं बोलेंगे, कोई एक ट्रांजैक्शन दे देंगे स्टार्टेड बिजनेस, और वहाँ पे बता नीचे आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे कि अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो आपको आंसर दे देंगे कि कैश इंक्रीज़ होगी और या कैपिटल डिक्रीज़ होगी, या कैश इंक्रीज़ और कैपिटल इंक्रीज़, या कैश डिक्रीज़ और कैपिटल इंक्रीज़, इस तरह से आपको हम ऑप्शन दे देंगे। तो अगर आपको ये प्रैक्टिकली आता होगा तो आपको उस क्वेश्चन को करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थ्रेटिकल काम तो ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको जो हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको प्रैक्टिकल थोड़ा आता होगा तो आपको आसानी हो जाएगी उसको करने में, तो ये आप ज़रूर करें। कल हम इस चैप्टर को, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा, इसको कंक्लूड करेंगे, कुछ और एंट्रीज लेके आएंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर से एमसीक्यूज़ का एक मैं सेशन लेके आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।